हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, हाँ, आज हम बात करेंगे UKPSC के आने वाले एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड कनिष्ठ सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे विंसर ईयर बुक की। और इसमें हम महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि हम कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को 8 क्लास है जो कि विंसर ईयर बुक की करा रखी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम, जैसे पटवारी लेखपाल की हम बात करें या फिर उससे पहले पुलिस कांस्टेबल की बात करें, तो वहाँ पर विंसर ईयर बुक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली। वहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन भी अलग नहीं देखने को मिले, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन देखने को मिले जो कि हमारी बुक में है। तो इसलिए ये क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप लोगों के पास विंसर ईयर बुक नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को 8 की 8 क्लास इससे पहले की जो मैंने आप लोगों को कराई है उसको ज़रूर देखना, और आज की क्लास भी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप PDF चाहते हैं इसकी, तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी PDF है जो कि UKPSC के एग्ज़ाम के लिए मिल जाएंगी। आप लोगों को करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी, वहाँ पर हिस्ट्री की, पॉलिटी की भी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाके ज्वाइन करना JR क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल पर। आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कालसी अभिलेख के बारे में हमको बताना है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है। तो कालसी अभिलेख देहरादून में है, अशोक का 13वां शिलालेख है। इसकी खोज यहाँ पर हमको बतानी है तो जॉन फॉरेस्ट है, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा कालसी अभिलेख की खोज की गई है। दोस्तों, इसकी भाषा और लिपि भी हम लोगों से पूछी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों, जो कालसी अभिलेख है, उत्तराखंड में जितने भी उस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है और उस क्षेत्र को किस शब्द से प्रयोग किया गया है, यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर रहने वालों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, तो दोनों बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है। दोस्तों, अगर हम गोपेश्वर का त्रिशूल लेख की बात करेंगे, इसमें नागपति नाग और अशोक चल्ल का नाम उल्लेख है, तो गोपेश्वर का आप लोगों को त्रिशूल लेख यहाँ पर ध्यान में रखना है, और नागपति नाग और अशोक चल्ल दोनों का नाम है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है। तो लाखामंडल का खंडित शिलालेख किससे संबंधित है, तो राजकुमारी ईश्वरा का संबंध है जो कि लाखामंडल के खंडित शिलालेख से इनका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा और इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है। तो दोस्तों, त्रिशूल लेख और धारशील शिलालेख इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो अगर हम त्रिशूल लेख की बात करेंगे दोस्तों, इसमें दो राजाओं का नाम मिलता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो अशोक चल्ल का नाम की अगर हम बात करेंगे तो ये नेपाल का शासक था, 1192-93 के बीच में ये यहाँ पर आता है, तो इसलिए हमको यहाँ पर धारशील वाला मिलेगा। तो ठीक है, तो आप लोग इसको धारशील शिलालेख करना, और ये विंसर ईयर बुक में भी इसका जो आंसर है वो धारशील शिलालेख ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड कौन से हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड की अगर हम बात करेंगे तो PGW इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पेंटेड ग्रे वायर, तो वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तराखंड में जो आदि ऐतिहासिक काल है उस समय के जो बर्तन या फिर उस समय के जो मृदभांड थे वो चित्रित धूसर मृदभांड थे, जिसको अंग्रेजी में PGW के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज बहादराबाद को माना जाता है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सातवें का ऑप्शन ए हो जाएगा,
और अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, ताम्र संस्कृति की बात कर रहा ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बहादराबाद, तो ये हरिद्वार में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हरिद्वार में, और 1951-52 में इसकी यहाँ पर खोज की गई थी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो प्रथम पुरातात्विक खोज की अगर हम बात करेंगे, देवी धुरा के कप मार्क्स इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमको 1856 ईस्वी में हेनवुड के द्वारा देखने को मिलता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है हेनवुड का नाम, ठीक है, हेनवुड का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किमनी गुफा चमोली जिले में है, यहाँ पर से रंगीन मृदभांड है जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, रंगीन चित्र। और इसके अलावा 5.2 kg सोने का मुखावरण भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लखू उडयार कहाँ स्थित है? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एमपी जोशी के द्वारा 1956 में इसकी खोज की जाती है लखू उडयार की, और ये हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में है, सुयाल नदी के दाएं तट पर। आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर अगर ऑप्शन में दायां और बायां दोनों दिया होगा तो आप लोगों को ऑप्शन में ऑप्शन डी वाला करना है, दायां। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने, फड़का नौली और पेड़साल के शिलाश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई है? तो फड़का नौली और ये पेड़साल कहाँ पर हैं, सबसे पहली बात अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है ये, और अल्मोड़ा ज़िले में यशोधर मठपाल के द्वारा इनकी खोज की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? तो सींगों का मुखौटा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये हटवाल घोड़ा से हमको प्राप्त हो रखा है, और हटवाल घोड़ा कहाँ पर है ये अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा हमको, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हटवाल घोड़ा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन मेहरू उडयार कहाँ है? मेहरू उडयार की बात करेंगे तो ये नैनीताल जनपद में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्म संस्कृति से संबंधित चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर हम चंद्रेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो ये अल्मोड़ा में हो जाएगा, जो कि महात्म संस्कृति से संबंधित है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक काल से कांसे की कटोरी हमको मिलती है? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मलारी, मलारी, तो मलारी चमोली जिले में है, अलकनंदा नदी के तट पर, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, नदी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? तो कत्यूरी राजवंश का अगर हम मूल नाम की बात करेंगे तो ये कुलसारी का लक्ष्मी नारायण मंदिर है दोस्तों, कुलसारी लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो वहाँ से हम लोगों को कत्यूरी राजवंश के मूल नाम की जानकारी हमको प्राप्त होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने जैसे कि अभी देखा होगा, हाल में जो पेपर हो रखा है 12 फरवरी को, उसमें पूछा गया है, तो इस बात का कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से आंसर करते हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर वहाँ पर किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो 16 महाजनपद थे, अगर हम बात करेंगे भारत के इतिहास के, तो 16 मगध जो है सबसे बड़ा जनपद था, तो उस समय जो 16 महाजनपद थे उनमें से कौन सा जनपद है जो कि उत्तराखंड में इसका भूभाग आता है? तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा दोस्तों, पांचाल, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पांचाल। सियालदह बिखौती का मेला कहाँ पर लगता है? तो सियालदह बिखौती के मेले की अगर हम बात करेंगे, द्वाराहाट में लगता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुणिंद के समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? तो कुणिंदों के समकालीन विराट की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये कहाँ का शासक था, तो ये था मत्स्य प्रदेश का, मत्स्य प्रदेश का राजा विराट था, और इसकी राजधानी विराटगढ़ी थी जो कि जौनसार बाबर वाला क्षेत्र है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रामायण के बालकांड में कुमाऊँ की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो रामायण में
कि जो बाल कांड है दोस्तों, उसकी अगर हम बात करेंगे, उसमें उत्तराखंड में कौशिकी नदी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो क्रांतेश्वर पर्वत की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा चंपावत होगा। चंपावत, तो इसी पर्वत के नाम पर कुमाऊँ का नाम रखा गया है, क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? अगर आप लोगों को सही लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो आप लोग इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करना, जहाँ पर भी आप लोगों की रीच है, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए होंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? तो दुर्योधन के पक्षधर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका राइट आंसर पारावत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई है? तो सुबाहुपुर की पहचान किस क्षेत्र से हो रखी, ये हमको बताना है। तो ये श्रीनगर होगा इसका राइट आंसर। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर थी, तो ये बात है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो शोणितपुर कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका अन्य नाम ज्योतिषपुर भी है। ज्योतिषपुर भी नाम इसका है, और जोशी मठ भी इसको हम कहते हैं, और ये बाणासुर की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हमारा उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन साह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई है? तो सुदर्शन शाह पवार वंश का है ये, और टिहरी रियासत का पहला राजा था, 55वां राजा। आप लोगों को पवार वंश का ध्यान में रखना है और टिहरी रियासत का पहला। तो सुदर्शन शाह की पुस्तक आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सभासार। सभासार में गढ़ नरेशों की वंशावलियों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पाली साहित्य की बात करेंगे तो हिमवंत शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो कोल, किरात, खस और भोटांतिक ऑप्शन है। तो कोल इसका राइट आंसर होगा, जो कि उत्तराखंड की में रहने वाली सबसे पहली प्राचीन जनजाति है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है, डाउट में मत होना, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कोल था, लेकिन अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर किरात हो जाएगा, जो कि विंसर ईयर बुक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो किरात इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है। और अगर हमको जॉर्ज गियर्सन का नाम नहीं दिया होगा, तब हम कोल नाम है जो कि वहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय परिचय पुस्तक किस में किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? तो हिमालय परिचय पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो राहुल सांस्कृत्यायन इसकी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिमालय परिचय, यस, राहुल संस्कर्ताइन इसका राइट आंसर होगा। महाभारत के किरातार्जुनीय प्रसंग में किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? तो किरातों के जो आराध्य देव हैं दोस्तों, ये कार्तिकेय बताए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उत्तराखंड की किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है? जो वैदिक काल में आर्य थे और अनार्य थे, तो हमको आर्य के वंशज के बारे में बात करनी है। तो आर्य के वंशज की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड के जो खस जनजाति है वो अपने आप को आर्यों के वंशज मानती है, और अगर हम अनार्य की बात करेंगे दोस्तों, अनार्य जाति से किसका संबंध है? तो यहाँ पर कोल जाति होगा। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा, टेकवा प्रथा या फिर झटेला प्रथा हो गया, घर जवाई प्रथा हो गया? अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, तो ये किस जनजाति से संबंध रखता है? तो खस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी।
जाड़ भोटियों का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? तो जाड़ भोटियों का अगर हम मूल निवास की बात करेंगे तो ये जनक ताल हो जाएगा दोस्तों, जो कि उत्तरकाशी जिले में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि जो भोटिया जनजाति हैं उसमें जाड़ हो गया, तोलछा, मालछा, जौहारी, दनपुरिया, ये सभी जनजातियाँ हमको उसमें देखने को मिलती हैं। और तोलछा मोलछा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, चमोली जिला आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर हमको दानपुरिया की बात करेंगे तो ये हमको पिथौरागढ़ के जौहार मोनसारी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो रोम्बा की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति से संबंध रखता है रोम्बा भाषा। लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? लोसर उत्सव तो भोटिया जनजाति के द्वारा लोसर उत्सव बसंत पंचमी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गमैया पद्धति किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। तो गमैया पद्धति की बात करेंगे तो ये व्यापार से संबंधित है, ट्रेड से संबंधित है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे सौ का हुड़िया व्यापार, उत्तराखंड के भोटिया और अगर हम बात करेंगे चीन तिब्बत की बात करेंगे तो इन दोनों के मध्य जो व्यापार होता था उसकी पद्धति जो थी उसको हम गमैया पद्धति के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केदार छाया रैणा रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो केदार छाया और रैणा रात ये किस जनजाति का लोकगीत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जौनसारी, ऑप्शन ए। जौनसार के प्रथम आंसू कवि कौन हैं? तो पंडित शिवराम इनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, होगढ़ डेलिया गोठरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, होगढ़ हो गया, डेलिया, गोठरे, ये सभी त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो बोक्सा जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि उत्तराखंड के नैनीताल और जो ऊधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है, ऊधम सिंह नगर में सबसे पहले यहाँ पर बनबसा में ये आकर बसे थे, बनबसा। और जो नैनीताल और ऊधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है उसको बुकसाड़ नाम से जाना जाता है, बुकसाड़, जहाँ पर बोक्सा लोग रहते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? तो अदृश्य विनिमय का अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो राजी जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजी जनजाति को हम जंगलों का राजा या फिर वन रावत इन नामों से भी हम इनको पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है? वीर केसरी चंद की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो पंडित शिवराम की होगी, जो कि जौनसारी के महत्वपूर्ण लेखक हैं, हमको ये ध्यान में रखना है। झुरमुल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? झुरमुल देवता 43 का दोस्तों रांची हो जाएगा, ऑप्शन डी। कुड़िंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो दोस्तों कुड़िंदों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमको यहाँ की मुद्राएं देखने को मिलती है, कुड़िंदों की मुद्राएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अब देखो कुड़िंद मुद्राएं में भी हमको परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं और उस बाद वाली कुड़िंद मुद्राएं हमको देखने को मिलती हैं, और अमोघबोधी प्रकार की देखने को मिलती है, और हमको अल्मोड़ा प्रकार की देखने को मिलती है, और छत्रेश्वर प्रकार की भी देखने को मिलती है। तो अमोघबोधी प्रकार की मुद्राएं सबसे ज़्यादा प्रचलित थी और सबसे ज़्यादा विख्यात थी। तो आप लोगों से यही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है कि अमोघबोधी की जो चांदी की मुद्राओं का भार है वो कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, 31 से 38 ग्रेन तक है जो कि इनका भार माना जाता है। तो उस समय जो मुद्राएं थी उनका वजन है जो कि ग्रेन में मापा जाता था। अमोघभूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है हमको दोस्तों? तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, कौन सा? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है जो कि अमोघभूति की मुद्राओं में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मगभत्त शिवपालित का उल्लेख कुड़िंद वंश की किन मुद्राओं में हमको मिलता है? तो अगर हम बात करेंगे 47 में का अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा मगभत्त हो गया, शिवपालित हो गया, शिवदत्त हो गया, हरिदत्त हो गया, इन सभी राजाओं के नाम हमको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में देखने को मिलता है, कुड़िंदों की। नेक्स्ट प्रश्न है, कुड़िंद
कुड़िंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती है? तो कुड़िंद मुद्राओं में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसमें शिव शैव धर्म भी हमको देखने को मिलता है, नंदीपाद हमको देखने को मिलता है, शिव की नंदीपाद हमको इनकी मुद्राओं में देखने को मिलता है, बोधि वृक्ष हमको देखने को मिलता है, बोधि वृक्ष जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जैन के भी यहाँ पर हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो इसलिए 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी की हमको यहाँ पर संकेत देखने को मिलते हैं कुड़िंद मुद्राओं में। यानी कि ये जो राजा थे कुड़िंद राजा, ये धार्मिक सहिष्णु प्रकार के राजा थे, इस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस कुड़िंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी? तो 49वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोघभूति। अमोघभूति कुड़िंदों का महान राजा था, इसकी मुद्राओं में दोस्तों अमोघभूति महाराजा करके उपाधि है जो कि हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है? बाड़ादित्य का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? कटारमल अल्मोड़ा में है, ये आप सभी को पता होगा। रमक का सूर्य मंदिर कहाँ पर है ये हमको बताना है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों चंपावत। रमक का सूर्य मंदिर चंपावत जिले में है। कत्यूर के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो ये हमको बताना है 52 का आंसर, तो वासुदेव इसका राइट आंसर होगा, वासुदेव बसंतदेव। बसंतदेव जो कि है कत्यूर का प्रथम परिवार का संस्थापक माना जाता है। तीन परिवार थे दोस्तों यहाँ पर कत्यूर के, तो पहला परिवार की अगर हम बात करेंगे वासुदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों के में विमानों का निर्माण करवाया था? तो जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण निम्बर देव ने कराया था, और ये निम्बर जो है वो शैव धर्मावलंबी था, शैव धर्म को ये सबसे ज़्यादा मानता था, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसने जागेश्वर में, अल्मोड़ा के जागेश्वर में मंदिरों का यहाँ पर निर्माण कराया था। ललित सुर देव के ताम्रपत लेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? तो ललित सुर देव का जो ताम्रपत अभिलेख है दोस्तों, इसमें हमको किस राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ईष्टगढ़। ठीक है, ईष्टगढ़ को यहाँ पर परम ब्राह्मण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, ललित सूर का हमको 2100 और 2200 वर्ष किस मंदिर में दो ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो ललित सूर देव का जो ताम्रपत्र अभिलेख है दोस्तों, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो पांडुकेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडुकेश्वर से हमको ललित सूरदेव के ताम्रपत्र अभिलेख देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? तो एटकिंसन आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसने बागेश्वर शिलालेख का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। और बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बागेश्वर को राजधानी बनाकर शासन करने वाले कत्यूरी राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बैजनाथ को राजधानी बनाकर, आई थिंक इसका राइट आंसर सुभिक्ष राज होना चाहिए दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। और लेकिन इसका जो आंसर, अगर हम बिंसर ईयर बुक की बात करेंगे तो ये नरसिंह देव दिया था, तो इस बात को आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि बैजनाथ को राजधानी बनाने वाले शासक कत्यूरी का नाम क्या था। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आसंती देव वंश किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो आसंती देव वंश की अगर हम बात करेंगे तो ये पाली पछाव से संबंध रखता है, द्वाराघाट वाला क्षेत्र जो हमको देखने को मिलता है अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है, रणचूला हाट कोट भ्रामरी किसकी राजधानी थी? तो कोट भ्रामरी की अगर हम बात करेंगे तो ये कत्यूरी की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख अस्कोट के किस राजवंश के राजा का है? तो घुनसेरा का ताम्रपत्र की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये भारतीपाल का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया था? तो ये हो जाएगा प्रीतम देव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राजा धामदेव किसके पुत्र थे? राजा धामदेव किसके पुत्र थे? तो ये प्रीतम देव के थे दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सागर तलगढ़ विजय गाथा किस पर्वतीय कत्यूरी राजा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, धामदेव से इनका संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कत्यूरी शासन काल में गौलमिक क्या थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, गौलमिक का संबंध हम लोगों को बताना है कत्यूरी शासन काल में। तो पैदल सैनिक थे ये, जिनको हम गौलमिक नाम से जानते हैं। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था? चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था? अच्छा हाँ, सोमचंद किसके अनुसार है जो कि चंद वंश का संस्थापक है, ये हमको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार हमको यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार थोहर चंद है, थोहर चंद जो कि हमको डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार देखने को मिलता है। तो चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था, बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू फ्रेजर। अगला क्वेश्चन, थोहर चंद चंद वंश का कौन सा राजा था? किस क्रम का राजा है थोहर चंद? तो ये हो जाएगा दोस्तों 23, 23वें क्रम का राजा था ये थोहर चंद। डब्ल्यू फ्रेजर इसको चंद वंश का संस्थापक के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो सोमचंद ही होगा चंद वंश का संस्थापक। कालू तड़ांगी किस चंद वंश का सेनापति था? कालू तड़ांगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सोमचंद का सेनापति था कालू तड़ांगी। अगला क्वेश्चन, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? चौथानी ब्राह्मणों की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये किसके शासनकाल में चंद में थे? तो ये सोमचंद के शासनकाल में थे, हमको ये बात ध्यान में रखनी है, चौथानी ब्राह्मण। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, सोमचंद के समय डोटी का मल्ल राजा कौन था? तो डोटी में इस समय जयदेव मल्ल का शासन था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ऑप्शन बी। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली थी किस चंद शासक ने? तो सोमचंद होगा जिसने कुमाऊं में सबसे पहले पंचायती राज की नींव यहाँ पर देखने को मिली है। पटरंग प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा यहाँ पर चलाया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम का इसने उत्पादन इसने किया था, तो रेशम उत्पादन करने वाले को पटुआ कहा जाता था। तो ये पटरंग प्रथा, इसको ध्यान में आपको लोगों को ध्यान रखना है। इंद्रचंद, वीणा चंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो चुका था? तो दोस्तों वीणा चंद की मृत्यु के बाद यहाँ पर कुमाऊं में जो चंद वंश है वो थोड़ा सा यहाँ पर खस जाती थी, जिन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो 200 वर्ष तक फिर से खस आए गए थे, और फिर वीर चंद आया था जो कि खसों को पराजित करके दोबारा चंद वंश यहाँ पर स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के शासक अशोक चल के समय चंद शासक कौन था? तो 74वें का ऑप्शन हो जाएगा नानकी चंद, जो कि अशोक चल के समय में चंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा दोस्तों, मुहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान के समय चंद शासक कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का मुहम्मद बिन तुगलक है, और इसके समय में यहाँ पर धर्मचंद राइट आंसर होगा कराचिल अभियान के दौरान। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वह चंद शासक जिसने अपने अभिलेख स्वयं खुदवाए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अभय चंद हमको देखने को मिलेगा। तो इसके दो अभिलेख हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अभय चंद के यहाँ पर हम लोगों को दो अभिलेख देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? तो इस बात का कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि चंद वंश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, नीलुकठायत किस चंद शासक का सेनापति था? नीलुकठायत की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानचंद का ये क्या था, सेनापति था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा के द्वारा कराया गया है? तो 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमचंद। एक हथियानौला का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा कराया गया है? 80वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उद्योग चंद होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किस चंद राजा ने पूरा कराया था? तो पूरा कराने की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा विक्रम चंद ने, और उद्यान चंद ने इसको शुरुआत इसकी कर दी थी, लेकिन अगर हम निर्माण कार्य पूरा करने की बात करेंगे तो विक्रम चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने डोटी के साथ 12 वर्ष युद्ध लड़ा था? तो 12 वर्ष का युद्ध यहाँ पर दोस्तों भारतीय चंद के द्वारा लड़ा गया था, और इस समय इनकी अवैध संतानें यहाँ पर पैदा हुई थी, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और जिसको हम नायक जाति के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कठकाली प्रथा को प्रोत्साहित देने वाला चंद राजा कौन था? कठकाली प्रथा तो भारतीय चंद है, जो जो अभी हम लोगों ने देखा कि 12 वर्ष का जो युद्ध लड़ा गया था डोटियों के साथ, उसमें जो अवैध संतानें पैदा हुई थी, और ठीक है, तो उस प्रथा को यहाँ पर कटकाली प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त कराए जाने का उल्लेख हमको देखने को मिलता है? भूमि बंदोबस्त की अगर हम बात करेंगे चंद वंश में, तो ये रत्न चंद के द्वारा सबसे पहले देखने को मिलता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो कीर्ति चंद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 85 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में यहाँ पर लड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें चंद राजा कौन था यहाँ पर, तो चंद राजा इस समय ताराचंद था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चंद वंश का सबसे उम्रदराज राजा कौन था? सबसे अधिक उम्र में शासन करने वाला जो राजा था चंद वंश का, वो कौन था? तो भीष्मचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। खगमरा किला भी इसने निर्माण किया था भीष्मचंद के द्वारा, ये बात भी आप लोगों को पता होगी। मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन है? तो 88 का ऑप्शन रुद्रचंद हो जाएगा दोस्तों, जो कि अकबर का समकालीन राजा है। रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? तो लाहौर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। किस चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था हेतु धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी थी? तो रुद्रचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी थी। कुमाऊँ का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊँ का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो शक्ति गुसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसको बताया गया है? तुजुक ए बाबरी, तो लक्ष्मी चंद नाम से ही हमको पता चल रहा है, लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब धनी व्यक्ति, और इस तरीके से आप लोग इसका ट्रिक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पटवारी लेखपाल में पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो लक्ष्मी चंद इसका राइट आंसर होगा, 93 का बी। कत्यूरों की राजभाषा क्या थी? कत्यूरों की राजभाषा हमको बतानी है दोस्तों, तो संस्कृत इनकी राजभाषा होगी, ठीक है। और अगर हमको लोक भाषा बतानी होगी, दो भाषाएं हैं,
एक तो राजभाषा और एक है लोकभाषा। तो लोकभाषा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पाली की कुटिला लिपि है जिसको हम लोकभाषा के नाम से जानते हैं। एक बार आप लोगों इस बात को क्रॉस चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि धारण की गई थी? तो 95 का बी हो जाएगा, सुभिक्ष राजदेव। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय अगर हम चंद राजा की बात करेंगे तो ये दीपचंद है। आप लोगों को बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, इसकी डेट आप लोगों को बतानी है, और किस किस के मध्य लड़ा गया था ये बात भी आप लोगों को बतानी है। 97 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, और यहाँ पर पूछ रहा है कि किस चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित करवाई थी? तो दीपचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने अपनी मूर्ति जागेश्वर में स्थापित करवाई थी। अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर दिया था? तो 98 का ए हो जाएगा, मोहन चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया था? तो 99वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने 100th क्वेश्चन है, हरक देव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? हरक देव जोशी का संबंध बताना है, तो ये चंद राजाओं के प्रधान प्रसिद्ध दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था क्या थी? चार थान व्यवस्था, तो पंचायती कचहरी से संबंध ये व्यवस्था रखती है, चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बरम तामपत्र किस चंद्र राजा द्वारा से संबंध रखता है? तो बरम तामपत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्धव चंद्र राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उद्धव चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद प्रशासन में थातवान कौन थे दोस्तों? थातवान की अगर हम बात करेंगे तो ये भूमि के स्वामी को कहा जाता था, और राजा था जो कि सर्वे सर्वा भूमि का मालिक कहा जाता था। ठीक है, और जो राजा भूमि दान करता था उसको थात के रूप में दिया जाता था, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, कुसही नामक कर किन पर लगाया जाता था? तो कुसही कर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, और ये गोरखों के द्वारा, यहाँ पर जब गोरखा राज था तो उनके द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था? सुवांगी दस्तूर कर की अगर हम बात करेंगे तो ये बीसी भूमि पर लिया जाता था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रणजोर सिंह थापा, जिसको दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी। रण बहादुर चंद्रिका किसकी पुस्तक है? तो रण बहादुर चंद्रिका की अगर हम बात करेंगे तो मौला राम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मौला राम की बात अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी और भी पुस्तकें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। 108वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नाला पानी जिसको हम खलंगा दुर्ग भी कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बलभद्र सिंह थापा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 108वें का ऑप्शन सी। आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा सेनापति मारा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जनरल ग्लैबसी है जो कि मारा गया था आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान। मवालगढ़ की संधि 15 मई 1815 में किनके मध्य हुई थी, ये हमको बताना है। तो 110वें का हो जाएगा, अमर सिंह थापा और ऑक्टोलोनी के। ठीक है, तो गोरखों की तरफ से तो अमर सिंह थापा थे, और अगर हम ब्रिटिश की बात करेंगे तो जनरल ऑक्टोलॉनी यहाँ पर ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम रूप से संगोली की संधि कब हुई थी? तो संगोली की संधि अंतिम रूप से कब हुई थी? तो 4 मार्च 1816 को यहाँ पर जो है संगोली की संधि को नेपाल दरबार में इसकी पुष्टि कर दी जाती है।
कुमाऊं कमिश्नरी को दो जिलों कुमाऊं और गढ़वाल में कब विभाजित किया गया? तो कुमाऊं कमिश्नरी की अगर हम बात करेंगे 1839 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है ई गार्डनर एडविन गार्डनर जो है कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे? तो 3 मई 1815 को कुमाऊं के पहले कमिश्नर के रूप में इनको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन खेलों से संबंधित है दोस्तों। चाइना वॉल के नाम से किसको जाना जाता है? तो चाइना वॉल राम बहादुर छेत्री को कहा जाता है। अब आप लोगों को बताना है अगला क्वेश्चन कि बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो। हंसा मंडराल का संबंध किस से है? तो ये किस खेल से संबंध रखती हैं दोस्तों हंसा मंडराल? तो ये रखती हैं भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र सिंह वल्लिया का संबंध किस खेल से है? तो 117 का ऑप्शन दोस्तों सुरेंद्र सिंह वल्लिया का। अगर हमें बात करूं तो मेरे ख्याल से इनमें से ऑप्शन ऑप्शन की अगर मैं बात करूं सुरेंद्र सिंह वल्दिया का संबंध दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर हम बात करें विंसर ईयर बुक की, तो विंसर ईयर बुक में तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन बी कहा गया था, पर्वतारोहण। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें सुरेंद्र सिंह वल्दिया का संबंध नौकायन से है, नौकायन। तो एक बार आप लोग इस बात को क्या कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि सुरेंद्र सिंह वल्दिया का संबंध नौकायन से है या फिर पर्वतारोहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हरि सिंह थापा प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का संबंध किस खेल से है? हरि सिंह थापा, तो हरि सिंह थापा की अगर हम बात करेंगे तो मुक्केबाजी से ये संबंध रखते हैं। उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिला है। उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये घनानंद पांडे है, ठीक है, घनानंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है? राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों हरि सिंह थापा के द्वारा पहला पदक है जो कि प्राप्त किया गया है। एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पद्म बहादुर मल्ल। एशिया में एशियाई खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया टमटा का संबंध किससे है? तो माया टमटा की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रथम महिला मेजर जनरल के रूप में जानी जाती है। राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी हाल में जो पेपर हुआ था आप लोगों का, जसपाल राणा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हंसा मंडराल को किस वर्ष सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था? तो 124 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 2001। राज्य खेल पुरस्कारों में सर्वप्रथम देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया था? देवभूमि शब्द यहाँ पर हमारे खेलों में कब जोड़ा गया था? तो 2015 के बाद यहाँ पर ये शब्द जोड़ा गया था। और खेलों की पुरस्कार की अगर बात करें तो 2013 में इनकी शुरुआत होती है और 15 में इसमें देवभूमि नाम है जो कि जोड़ दिया जाता है। हॉकी खिलाड़ी सैयद अली का संबंध किस जिले से है? तो सैयद अली की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो नैनीताल जिले से इनका संबंध है, 126वें का ऑप्शन सी। हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा निशानेबाज हिमाद्री थपलियाल। आयरन वॉल ऑफ इंडिया, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से त्रिलोक सिंह बसेड़ा हो जाएगा, ठीक है। चाइना वॉल राम बहादुर छेत्री और आयरन वॉल ऑफ इंडिया त्रिलोक सिंह बसेड़ा। तो ये दोनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, दोनों का संबंध फुटबॉल से है। आशीष सिंह नेगी का संबंध किस खेल से है? तो 129वें का ए हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी रचना है? तो भक्ति दर्शन इसका राइट आंसर होगा। मसूरी मेडले किसकी रचना है? तो प्रोफेसर गणेश सली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। गीता का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया था ये हमको बताना है।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो उमादत्त नैथानी नंद किशोर के द्वारा गीता का गढ़वाली अनुवाद किया गया है। कुमाऊँ की चित्रकला किसकी रचना है? कुमाऊँ की चित्रकला यशोधर मठपाल की रचना है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कुमाऊनी लोकगाथा मालुशाही को पुस्तक का रूप किसने दिया? तो राजा मालुशाही को पुस्तक का रूप किसने दिया था? 134वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्वी दत्त, रमेश पंत और यमुना दत्त। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 0.83, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 136वां, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत कितना है? तो शिशु की अगर हम बात करेंगे, 0 से 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको हम शिशु जनसंख्या में हम शामिल करते हैं, तो 126वें का बी हो जाएगा, 13.44% है जो कि उत्तराखंड में शिशुओं का यहाँ पर परसेंटेज जनसंख्या में देखने को मिलता है। ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे माना जाता है? ऑपरेशन ब्लू एंजल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मालपा घटना, ठीक है? तो मालपा घटना कहाँ पर है इसका संबंध, ये बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। मालपा घटना ऑप्शन ए। जलजीवी पशु मेले की शुरुआत किसने की थी? तो 138 का ऑप्शन हो जाएगा, गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा, ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो जलियांवाला बाग की अगर हम बात करेंगे, अमृतसर, 13 अप्रैल 1999, और इसका जो संबंध है दोस्तों 139वें का, थल मेला, ऑप्शन बी। जौलजीबी को राजकीय मेला कब घोषित किया गया था? तो 140 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2014 में। जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊ में किस मेले का उल्लेख किया है? तो बग्वाल मेला है, बग्वाल मेला, ऑप्शन ए। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? 142, तो ये चंपावत में है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। वीर गब्बर सिंह मेला कब आयोजित होता है? वीर गब्बर सिंह मेला, तो 143 का बी हो जाएगा, 21 अप्रैल। ज्येष्ठ माह की दशमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 144 का ऑप्शन ए गंगा दशहरा हो जाएगा। हिमालय महोत्सव का के नाम से जाना जाता है, तो हिमालय महोत्सव के नाम से नौठा कौथिक को जाना जाता है। पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है दोस्तों, ये हमको बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, खकोटी मेला। 146 का ए ऑप्शन, खकोटी मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडाली उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष के बाद कंडाली उत्सव मनाया जाता है। नंदा राजात का पहला पड़ाव कौन सा है? तो ये पहला पड़ाव की अगर हम बात करेंगे तो नौटी हो जाएगा दोस्तों, नौटी, अच्छा नौटी बाढ़ या फिर नौटी ईड़ा बधाड़ी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ईड़ा बधाड़ी आप लोगों को ध्यान में रखना है, नौटी चमोली जिले में। और अगला क्वेश्चन, नंदा राजात में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकार्य है? तो 149वें का बी, पातर नचौड़िया तक है जो कि महिलाएं जाती हैं, उसके बाद में यहाँ पर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। आज का अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड का पांचवा धाम किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा, हाँ यात्रा हमको बतानी है दोस्तों, तो खतलिंग रुद्रा देवी की यात्रा है जिसको उत्तराखंड किया पांचवा धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे 150 क्वेश्चन आज की क्लास में, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।